सब्सक्राइब करें साहिल फ्री डिश यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाना न भूलें। दोस्तों हमारे पास एक ऐसी टीवी है और इस टीवी में दोस्तों बिना एंटीने के टीवी चैनल चलते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं पेचकस का ये टुकड़ा मैंने लगा दिया, यानी पेचकस की ये पिन लगा दी और यहाँ पे डीडी स्पोर्ट आप लोग देख सकते हैं चल रहा है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे हमारे पास इस टीवी में डीडी रेट्रो नाम का भी टीवी चैनल चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख लीजिए AIR लखनऊ और बहुत सारे टीवी चैनल है दोस्तों, डीडी स्पोर्ट भी है और बहुत सारे जो टीवी चैनल है, डीडी नेशनल है, डीडी यूपी है, सभी टीवी चैनल दोस्तों इस पे हमारे पास चल रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, क्या हालचाल है दोस्तों। आप देख रहे हैं साहिल फ्री डिश यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप हमारे हाथ में देख सकते हैं इस, ये है पावर का पिन है, ये यहीं पर रखता हूँ। दोस्तों ये देख सकते हैं हमारे पास एक LED टीवी है और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, अगर आप पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप नए हैं तो नहीं देखा होगा इसकी अनबॉक्सिंग, और उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एकदम हाई क्वालिटी का हमारे पास ये बहुत ही बढ़िया पोर्टेबल टीवी है। दोस्तों अगर आप ऐसा टीवी खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे बटन्स हैं दोस्तों, बटन्स के बहुत सारे काम हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं कैसे रखा था, ये ऐसे रखा था, एक कुछ एंगल में मैंने रखा था ताकि हमारे कैमरे में सही फोटो आए। एक बार मैं इसे लगा के देख लूँ, मैं आप लोगों को बता दूँ इसकी मैं जो चैनल है बिना एंटीने के आते हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर DD नेशनल, जी हाँ, यहाँ पे हमारे पास जो फोटो है क्लियर है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं एक पेचकस लगाने से इस पर आ जाते हैं चैनल। तो दोस्तों ये यहाँ से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे दोस्तों ये रहा एंटीना, यानी कि आप कोई भी सिंगल वायर लगा देंगे तो भी दोस्तों आपके पास यहाँ पे टीवी चलने लगेगा। यहाँ पे ऑडियो वीडियो है, HDMI का पोर्ट है, बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं और 10 इंच की ये LED टीवी है। और दोस्तों आप लोगों ने इससे पहले हमारे चैनल पे देखा होगा जो LED टीवियाँ थी 4 इंच की, 5 इंच की LED टीवी मैंने आप लोगों को दिखाया था। काफ़ी सारी LED टीवी मैंने आप लोगों को दिखाया है दोस्तों अपने इसी YouTube चैनल पे। दोस्तों देख सकते हैं चैनल चलने लगे। दोस्तों अब यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसे जूम कर दूँ, ये सब कुछ क्लियर दिखाई दे। और ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पावर की पिन है, तो खैर अभी नहीं लगाऊंगा, बैटरी अगर डाउन होगी तो मैं लगा दूंगा। दोस्तों यहाँ पे मीनू का ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों DTV मैनुअल और ऑटो ट्यूनिंग जैसे टीवी में होता है वही चीज़ है यहाँ पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिग्नल इन्फॉर्मेशन इसमें भी है, यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिटी 100 आ रहा है सिग्नल। तो एक बार मैं इसे स्कैन करता हूँ, बहुत ज़्यादा दिन हो गया दोस्तों इसे ऑटो ट्यूनिंग में कर देता हूँ। ये देखिए ऑटो ट्यूनिंग हमारे पास हो रहा है और कुछ इस प्रकार से दोस्तों, जैसे पुराने वाली टीवी में होता था ना, स्नो आता था और उसके बाद से स्कैन होता था, ठीक वैसे ही इसमें भी स्कैनिंग आप लोग देख सकते हैं हो रहा है। और इसको दोस्तों आप जंगल में भी ले जाएंगे, अगर DTV ATV वाले जो चैनल्स होंगे, T2 वाले जो चैनल होंगे वो आपके TV में आएंगे, पक्का आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का स्नो आ रहा है यहाँ पर, और उसके बाद से दोस्तों स्कैनिंग हमारे पास जारी है। ये सब चैनल है दोस्तों, और इस स्नो को देख के दोस्तों कुछ पुरानी बातें दोस्तों याद आ गई हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है पुराने ज़माने में जो टीवियाँ होती थी वो कुछ इसी प्रकार की होती थी। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए इसे। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करेंगे तब तक ये स्कैनिंग हो रहा है, तो दोस्तों आगे हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों फाइनली आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास 6 TV चैनल आए हुए हैं। तो दोस्तों ये DTV में आए हुए हैं और यहाँ पर दोस्तों हम अभी भी स्कैनिंग हो रही है, तो दोस्तों हम इसे सेव करते हैं और बैक आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक नंबर पे DD नेशनल हमारे पास दोस्तों चल रहा है, 2 नंबर पे दोस्तों DD UP, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं DD UP चल रहा है, और 3 नंबर पे यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, ये देख लीजिए अगर दिख रहा हो तो, ये ध्यान से देख लीजिए आप लोग, ये देखिए यहाँ पे 4 नंबर पे स्पोर्ट का चैनल चल रहा है, और उसके बाद से दोस्तों DD रिट्रो आपको चल रहा है 5 नंबर पे, 6 नंबर पे AIR लखनऊ है, और ये जो चैनल है आप देख सकते हैं T2 लिखा हुआ है, T2 पे ये चैनल चल रहे हैं। 6 चैनल इस समय लखनऊ में, आप अपना कोई सा भी ऐसा TV ले लो और उसमें आप चला सकते हो। यानी कि दोस्तों पुराने ज़माने वाली जो टीवियाँ होती थी उनमें अभी 6 चैनल चल रहे हैं, जैसे पहले एंटीने पे हम लोग एक चैनल दूरदर्शन का देखते थे, वैसे दोस्तों
इस समय 6 चैनल चल रहे हैं एक रेडियो का, और उसके बाद से 5 TV चैनल्स। तो दोस्तों 5 मेन चैनल चल रहे हैं, और जो सिग्नल की क्वालिटी है यहाँ पे सिग्नल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे देखो क्वालिटी 100%। थोड़ा ऐसे निकालते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसे, एक बार और मैं लगाता हूँ इसे, यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा वेट करेगा, यहाँ पे देखिए 100 आ गया। तो दोस्तों ये जो टीवी है, मैंने सोचा आप लोगों को दिखाएं, T2 वाले जो चैनल्स हैं उनको हम दिखाएं आप लोगों को। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से, मैं एक बार निकाल रहा हूँ अभी, आप लोग देखना अभी तुरंत, अभी ये डाउन हो जाएगा, ये देखना, ये देखिए डाउन हो गया। तो दोस्तों ये T2 वाले चैनल्स हैं दोस्तों, इसको ये जो टीवी चैनल्स होते हैं इनको आप बिना डिश एंटीने के देख सकते हैं। बस एक कोई सा भी वायर छोटा सा टुकड़ा लगा दीजिए, आपको चैनल देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये तो रही, दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये चैनल चल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं डीडी रेडियो चल रहा है। बाकी दोस्तों बताइएगा, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, उसे भी मैं आप लोगों को बताना उचित समझता हूँ। दोस्तों यहाँ पे इनपुट मेथड है, यहाँ पे ATB है, ऑडियो वीडियो है, HDMI है, USB पेन ड्राइव और FM रेडियो। यहाँ इस टीवी में FM भी है दोस्तों, जो कि मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है। बाकी दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।